वेलकम टू डॉक्टर्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है पटियाला पिग। अब इसके बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा कि ये जो पटियाला पिग है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है विस्की के ऊपर। मतलब जब भी कोई बोलता है कि मैं मुझे पटियाला पिग दीजिए, तब बार्टेंडर ऑटोमेटिकली सिर्फ विस्की ही पोर करेगा। और पटियाला पेग के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि कितना ml का होता है, फिर भी लॉट ऑफ डाउट्स है, तो इसीलिए ये वीडियो। चलिए जानते हैं कि पटियाला पेग में कितना ml सर्व किया जाता है। देखा जाए तो 120 ml, मतलब डबल पेग, डबल लार्ज पेग विस्की को यूजुअली पटियाला पेग बोला जाता है। मगर इंडिया में कुछ कुछ बार में पटियाला पेग के तौर पे 90 ml अल्कोहल यानी 90 ml विस्की को भी सर्व किया जाता है, एक लार्ज और एक स्मॉल को कंबाइन करके। तो पटियाला का मेजरमेंट अगर सच में कहा जाए तो 120 ml, मॉडरेट ड्रिंकिंग को अगर सामने रखे तो 90 ml पटियाला पेग। हालांकि दोनों ही बहुत ही खतरनाक पेग है। अब ये पटियाला पेग को पटियाला पेग क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बहुत सारा स्टोरी है, तो मैं फिर भी आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा जो बहुत रिलेट करता है पटियाला पेग के साथ। और ये जो सिंबल है यो, ये भी एक कारण है पटियाला पेग से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पटियाला एक बहुत फेमस सिटी है पंजाब से, और ये जो सिटी है, ये जो शहर है, इसमें एक टाइम पे एक राजा राज करता था जिसका नाम था भूपेंद्र सिंह। सर भूपेंद्र सिंह बहुत ही रॉयल लाइफ जिया करता था, और उसका बहुत सारा कहानी है उसका रॉयल लाइफ के चलते। महाराजा भूपेंद्र सिंह का एक पोलो टीम हुआ करता था, और उन्होंने एक आयरिश टीम को इनविटेशन दिया था एक फ्रेंडली टूर्नामेंट खेलने के लिए, जो था टेंट पेगिंग। और ये जो टेंट पेगिंग मैच है, ये एक्चुअली पोलो जैसे ही है, वेयर प्लेयर्स ऑन हॉर्सबैक हैव टू कलेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट विद देयर स्पेयर्स। और जब वो आयरिश टीम अराइव हुआ था, तब उन्होंने एक पार्टी अरेंज किया था, जैसे बोलते हैं ना कॉकटेल पार्टी, वैसा ही कुछ। अब उस कॉकटेल पार्टी में महाराज ने क्लेवरली एक चाल चाला उस टीम को हराने के लिए, क्योंकि वो टीम काफ़ी स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू महाराजा टीम। तो उन्होंने बोला कि जितना भी पेक सर्व होगा वो बड़ा बड़ा मैक्सिमम साइज का पेक सर्व करो, जैसे कि वो दूसरा दिन उठने ही ना पाए। और वैसा ही कुछ हुआ, सब बड़ा बड़ा पेक उन आयरिश प्लेयर को पिला दिया, और जब वो नेक्स्ट डे खेलने के लिए ग्राउंड में उतरा तो सबका हैंगओवर बड़ी मात्रा में छाया हुआ था, बहुत ही टायर्ड लग रहे थे, और ऑब्वियसली मैच बिल्कुल हार जाते हैं उन सिख वॉरियर्स के साथ। और उन आयरिश प्लेयर लास्ट में महाराज को कंप्लेन करता है कि उन लोगों को बड़ा बड़ा पेक सर्व किया गया है, और जिसके कारण वो हैंगओवर में आ चुके हैं, और इसके कारण वो मैच भी हार चुका है। तब महाराज बोला कि नहीं, पटियाला में ऐसा ही पेक बनता है जिसको बोलता है पटियाला पेक। और तब से लेकर आज तक ये पटियाला पेक इतना फेमस हो चुका है। और अभी जो हम लोग बताएंगे वो है यो, मतलब ये जो सिंबल आया ये कैसे आया। एक्चुअली महाराज काफ़ी पार्टीज करते थे, ऐसे महाराज बहुत रॉयल लाइफस्टाइल जीते थे, तो जब भी पार्टी थ्रो करते थे तब जितनी भी इनवाइटीज है उसको बहुत जल्दी बुला लेते थे, और सब इनवाइटीज आ तो जाते थे पार्टी में, मगर महाराज बहुत लेट करता था पार्टी में अटेंड होने के लिए। तब मोस्ट ऑफ द जो पार्टी पीपल है वो जाके अल्कोहल मांगता था, हालांकि वो जो अल्कोहल था बहुत ही एक्सपेंसिव अल्कोहल हुआ करता था, बिकॉज महाराज भूपेंद्र सिंह बहुत ही रॉयल ड्रिंक पसंद करता था, तो वो जो एक्सपेंसिव ड्रिंक्स है वो ज़्यादा वेस्टेज ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखा था कि सबको थोड़ा थोड़ा करके पिलाया जाए दो उंगली के साइज में, ऐसे दो उंगली के साइज में। मगर जितने भी डेलीगेट्स थे, जो इन्वाइटीज थे, वो बोला कि हाईनेस जब ऑर्डर दिया दो उंगली, तो क्यों ना हम लोग ऐसे करके दो उंगली मांग लेते हैं। मतलब वो लोग जब बाहर से ड्रिंक्स मंगवाते थे तो ऐसे करके दिखाए थे कि भैया ये दो उंगली के समान दे दीजिए, मतलब इसमें 120 पोर हो जाता था, और वो 120 कंज्यूम करते थे उन डेलीगेट्स कंटिन्यू, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता था महाराज के लिए। तो इसीलिए वो जो सिंबल है यो सिंबल, ये जो यहाँ ये सिंबल बहुत इस्टेब्लिश हो गया था उन दिनों, और ये सिंबल इतना पॉपुलर हुआ था कि उन दिनों पटियाला में सब जाके बार में ऐसे बोलते थे मुझे ये चाहिए, मतलब पटियाला पेग।
तो ये रहा पटियाला का एक छोटा सा स्टोरी। होपफुली आप समझ गए होंगे कि पटियाला पे को पटियाला क्यों बोला जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो ड्रिंक्स इंथुसियास्ट है उसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल न्यू मॉकटेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। टाटा। ड्रिंक रिस्पॉन्सिबिली।